एक के बाद काम ही काम। दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी, आई रियली होप बहुत अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना काम, अपना रेगुलर क्लीनिंग वाला काम। तो बेडशीट से शुरू कर रही हूँ, बेडशीट चेंज कर रही हूँ आज। बस होली का वेट कर रही थी कि होली निकले, अदरवाइज दो दिन पहले हो जाता ये काम। तो अभी मैं चेंज करूंगी बेडशीट। तो मेरे जितने भी बेडशीट है, कुशन कवर्स है, रनर्स हैं, वो मैं इस कबर्ड के सबसे नीचे वाले रैक में रखती हूँ। तो मैंने आज ये वाली बेडशीट सेलेक्ट करी है, इसको आज बिछाऊंगी। और ये सामने ये ब्रश देख रहे हैं, ये कभी मतलब हमेशा मैं अपना मैटर साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए यही वाला जो है यूज़ करती हूँ ब्रश। और इस तरीके से मैं अपनी बेडशीट्स जो है फोल्ड करके रखती हूँ ऐसे लंबे वे में, और उसी के अंदर दोनों पिलो कवर्स रखती हूँ ताकि वो आसानी से मिल जाए बेडशीट की मैचिंग की पिलो कवर्स। तो इस तरीके से रखती हूँ और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है इस तरह से फोल्ड करने से। तो बस अब बेडशीट बिछाऊंगी, सबसे पहले क्लीन करूंगी मैट्रेस। ये ब्रश वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है, डस्ट भी हट जाती है, अगर कोई हेयर वगैरह भी हो तो वो भी बड़े ईजिली मैट्रेस से निकाल देती है। तो बस बेडशीट बिछाया, इसके बाद मैं लगूंगी और काम में। अभी मार्केट भी जाऊंगी, थोड़ा बहुत सामान लूंगी, बस चलता रहेगा। बस आप बताइए आप लोग कैसे हैं, होली वगैरह कैसी मनी आपकी। तो चलिए दिन को आगे बढ़ाते हैं, मैं निकलती हूँ मार्केट और लेके आती हूँ कुछ सामान। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अभी बस बाहर निकली हुई थी थोड़ा बहुत टमाटर और दूध वगैरह लेने के लिए। सुबह से थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह करी, थोड़ा काम किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद अभी थोड़ा सा निकल गई थी मार्केट चीज़ों को लेने के लिए, और अभी फिर घर जाकर कुकिंग पे लगना है क्योंकि भैया को निकलना है थोड़ा जल्दी। तो थोड़ा लंच वंच करके बना के दे दूँगी उनको, खा के जाएंगे। और आज इतना गंदा दिन है, इतना गंदा दिन है, एकदम आलस वाला दिन है कि क्या बताऊँ। वापस आ गई हूँ घर में, एकदम एनर्जी ना बिल्कुल ही ख़त्म सी लग रही है। मैं घर पहुंच गई हूँ और अभी फिर दोबारा से लगना है काम पर, कुकिंग पर। चलो सच लेजी डे। मेरे नेबर शायद है नहीं, लेकिन उसके प्लांट्स ना सच में इतने सूख रहे हैं। करी पत्ता देखो मेरे पास तो है नहीं, चलो इसमें ही पानी डाल देती हूँ।
जैसे कि मैंने बताया कि अभी जाते ही मैं लगूंगी कुकिंग में, तो मैं बस लग गई कुकिंग में। आज लंच मैं थोड़ा पहले ही बना के रख रही हूँ क्योंकि भैया को निकलना है, तो मैंने बोला लंच करके करके भेजूँ उन्हें। तो बस लंच बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ आज पनीर की सब्जी। तो आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, उस दिन घी बनाया था तो साथ में मैंने पनीर बनाया था ना। तो पनीर कुछ बहुत सारा बना था पनीर, तो मैंने कुछ तो होली में बना लिया था, और फिर भी उससे भी इतना सब बच गया था, तो मैंने अलग से हटा के फ्रीजर में रखा हुआ था स्टोर करके। तो बस ये पनीर की सब्जी भी मैंने बना ली है, और साथ साथ मैं आटा भी गूंद के रख लूंगी, और पनीर की सब्जी हो गई, और साथ में बन जाएगी रोटी। तो ये भी सही रहा कि लंच बनाने की ड्यूटी आज पहले ही निपट गई, पहले ही सारा काम हो गया। हाँ तो दोस्तों, अभी बज रहे 11:30 और भैया निकल चुके हैं, तो मतलब मेरा लंच वगैरह सब तैयार हो गया है, और एक ही साथ मैंने रमेश और अपनी भी रोटी बना के रख ली। फिर क्योंकि ना आज वैसे ही इतना लिथार्जिक सा फील हो रहा है, ऊपर से फिर दोबारा से रोटी बनाना, तो मैंने हमारी भी लगे हाथ रोटियां बना ली। तो अभी तक शार नहीं लिया है। अच्छा, लड्डू से मिलो, लड्डू से मिलो। क्या हो गया? हेलो कर दो, हेलो कुछ ही दे दो। और सच में इतना ज्यादा ना एक गर्मी आ गई है, ऊपर से दिन बड़े बड़े से हो गए, इतना ज्यादा लिथार्जी फील हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, और खाली बैठने का भी मन नहीं कर रहा, और कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा। और देखो मैंने नेल्स अपने काट दिए होली के बाद ना, वो होली के वो गुलाल वगैरह हो जाते हैं, और वैसे भी मेरी आदत है, जब ज़्यादा देर तक ज़्यादा दिनों तक लंबे हो जाते ना नेल्स, मैं काट देती हूँ, क्योंकि अच्छे से जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं मेरे। और जब थोड़े ज़्यादा हार्ड हार्ड से होने लगते हैं ना नेल्स, तो वो टाइम लगता है मुझे कि काट देना चाहिए। तो काफ़ी दिन हो गए थे मैंने काट दिए नेल्स। मैं आ गई किचन में, और मैं अपने गार्डन से ना ये एलोवेरा के लीव्स लेके आई हूँ, इनका निकालूंगी जेल और लगाऊंगी अपने चेहरे पे, क्योंकि अभी तक नहाई नहीं हूँ, तो चलो थोड़ा सा जेल ही लगा लिया जाए फेस पे। तो इंसान चाहता तो बहुत कुछ है कि ये लगा लो, वो लगा लो, ये कर लो फेस के लिए, वो कर लो स्किन के लिए, लेकिन इंसान कर नहीं पाता। एक तो कर नहीं पाता, दूसरा ये कमबख्त आलस आलस आ जाता है बीच में, जैसे कि आज मुझे आया हुआ है। बट फिर भी आज मैं अपना आलस त्याग के एलोवेरा जेल लगाने वाली हूँ, और बाकी दिनों के लिए भी कि बीच में आलस ना आ जाए, एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका यूज करूंगी मैं आज। ये देखो, ये मैं बड़ा क्यूट सा एक आइस ट्रे लेके आई हूँ, बहुत छोटू सा, 9 क्यूब्स है इसमें, और इतने बड़े क्यूब्स आ जाएंगे, है ना क्यूट। एक्चुअली थोड़ी देर पहले ना मैं यही मेरे लोकेलिटी में ही मॉम, मैं और रमेश घूम रहे थे, तो एक नई सी दुकान थी, तो मुझे वहां जाना था, और मैं गई तो ये छोटू सा दिख गया मुझे। मैंने बोला अरे यार मुझे इसमें ब्यूटी के क्यूब्स बनाने हैं, तो मैं इसी पर्पस के लिए घूम भी रही थी, और ये क्यूट सा मिल गया मुझे। तो आज मैं इसमें सारा एलोवेरा जेल निकाल के इसमें रख दूंगी और फ्रीज कर दूंगी। तो ब्यूटी क्यूब्स बनाने के लिए मैंने 3 चीज ले ली। पहले बाउल में है एलोवेरा जेल, दूसरे बाउल में है टमाटो का जूस, एक्चुअली छोटा सा टमाटर लिया, उसको ग्राइंड कर लिया है, और अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हनी, 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ये भी बिल्कुल रेडी है। और जो थर्ड मैंने लिया है वो लिया है कर्ड, और कर्ड में मैंने तो, देखिए थोड़ा सा कर्ड लिया है, और इसमें 1 स्पून कर दूँगी ऐड टर्मरिक, और ऊपर से ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ दिस रोज वाटर, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये 3 जो ब्यूटी क्यूब्स है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
लेके आई थी मैंने एलोवेरा जेल के, और उनको निकालना इतना ज्यादा मुश्किल होता है, और ओरिजिनल चीज जो वो यूज कर रहे थे उससे ज्यादा बेस्ट कुछ होता ही नहीं है, और इतना झंझट अगर हम रोज करना चाहें तो नहीं हो सकता। तो अच्छा है ना कि एक बार का झंझट निकाल के क्यूब्स के हिसाब से बना दो, और फिर रोज उन क्यूब्स को या फिर जब जब आप यूज करना चाहो उनको क्यूब्स को निकालो और फेस पे रब करो। वैसे सिंपली अगर आईज भी हम रब करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे फेस के लिए, और अगर उन आईज क्यूब्स में अगर ये सारी चीजें मिला दो तो बेनिफिट्स तो क्या कहें। और अब थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये जेल, एलोवेरा जेल, इनको थोड़ा लगा लूं और फिर शार लेके आऊंगी। बुक्स है बेटा, खराब हो जाएगी। तो माँ बेटे नहा धो के एकदम रेडी हो गए है ना, अब पापा का वेट कर लिए, फिर हम लंच कर लेंगे। छोला कुछ ही देखो नहा धो के हम लोग रेडी हो गए हैं, अब रमेश का वेट कर रहे हैं कि लंच करेंगे। 1:20 हो गए हैं और बस कुछ काम धाम है नहीं, और अभी तक मेरा काम धाम है नहीं, काम बहुत है अभी, बर्तन है, बहुत काम होते हैं भैया, घर में रहना, होम मेकर होना उतना भी इजी नहीं है, एक के बाद काम ही काम। और मेरा तो एडिटिंग वाला काम भी अभी बचा हुआ है, और रोज़ का मैं जो कोशिश कर रही हूँ कि 2 से या 1 से पहले ब्लॉग चले जाए, लेकिन नहीं हो पाता, तो आज भी लेट ही जाएगा, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगी अभी लंच करने के बाद बैठ जाऊं और 3-4 तक तो एटलीस्ट चला जाए। हेलो, बज गए 6, लड्डू जाग गया है, लड्डू को सुला दिया था और मैं लग गई थी अपने एडिटिंग वाले काम में, और मैंने सोचा था कि आज 4 तक मैं डाल दूंगी, और मेरी एडिटिंग हो भी गई थी 3 तक, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों अपलोड ही नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है आज अपलोड होने में। अब शाम हो गई, कुछ ना कुछ लड्डू को खिलाऊंगी, सोच रही हूँ आइसक्रीम खिलाऊं, तो ये कल वाली आइसक्रीम खुली पड़ी हुई है, लेकिन ये भैया के लिए रख देती हूँ क्योंकि भैया को पसंद है ना। मैं खोलती हूँ अभी चॉको चिप, तो लड्डू को खिलाऊंगी आज शाम को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। हालांकि मैं आज के कल वाले व्लॉग में मैं कह रही थी कि मैं पानी पेट के पीती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, पेट ना निकले, यहाँ पे पेट क्या सब कुछ ही निकल रहा है बट ठीक है, कोई बात नहीं, कर भी लेंगे कंट्रोल। कल जब वो लाइन आ रही थी ना एडिटिंग करते वक्त कि पेट नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मुझे हंसी तो बहुत आ रही थी कि मैं इतना ज्ञान देती रहती हूँ और क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मुझे पता है जब मैं करने पे आऊंगी ना तो मैं करके दिखा भी दूंगी, क्योंकि लड्डू होने के बाद मैं इतनी फूल गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल एकदम मस्त 0 फिगर हो गई थी, लेकिन अभी मैं वापस से आऊंगी, लेकिन अभी के लिए चॉकलेट आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। टेंशन नको बाबा, टेंशन नको, लड्डू भी इंतजार कर रहा है, वो भी कह रहा है टेंशन नको लड्डू कैसे कल तो ऐसे कल के टेंशन नको
बीता आइसक्रीम खाएंगे हम तो ओली ओली खाओ खाओ। अरे कहाँ भाग रहा है? अरे उछलता कूदता बस भागता रहता है। लुक एट हिम लुक एट हिम गंदु गंदु गंदु। लो आ जाओ और खाएंगे। आओ 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 लो 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 लो। तो माँ बेटे ने मिलके आइसक्रीम एंजॉय की, बहुत मजे आए हमें और लड्डू करके खा रहा था। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अब जो मैंने ब्यूटी क्यूब्स बनाए थे वो फ्रीज होने के बाद कैसे दिख रहे हैं। तो ये देखो, ये इस तरीके से दिख रहे हैं। और मतलब इतना झंझट होता है जब भी आप निकालो कुछ बनाओ और पूरा पैक बनाओ और ये सारी चीज़ें। अब क्या है, ये आपके पास रेडी हो गई चीज़ें, ठीक है। अब आपको बस इतनी मेहनत करनी है कि एक एक क्यूब निकालना है और अपने फेस पे रब करना है। इतना भी अगर हम नहीं कर पाए तो फिर तो लानत है। तो ये रेडी कर लिया है, कुछ दिनों का मेरा जुगाड़ हो गया है। बस अब मेरे को निकालना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है, बस इतनी सी मेहनत करनी है ना। तो आप लोग भी ट्राई करना, जो भी इनफैक्ट जो आप लोगों को भी पता है। मैंने तो अभी सिर्फ तीन बनाए हैं, एक एलोवेरा, एक कर्ड और हल्दी वाला, एक टमेटो वाला। आपको कुछ पता हो तो आप भी मुझे बताना, वो चीज़ मैं ट्राई करूँगी और अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। और जो मेरे हैं वो तो बहुत कॉमन है, मे बी शायद आप लोग करते भी आए होंगे, तो ज़रूर ट्राई करना। और आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, मिलूंगी कल। तो अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा लड्डू टाटा। या चाचू की बुक्स के ऊपर बस बैठा हुआ ओली बाबली ओली बाबली कदो। चलो अच्छी वाली बाय बाय हो गई है, व्लॉग को एंड कर दिया जाए। बाय बाय कदो ओली बाबली बोलो। मैं आप बोलो मिस यू मिच यू बोलो मिच यू कैसे करते हैं चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।